ओके सो हमने नया टॉपिक सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट किया हुआ था। सेंटर ऑफ मास में हमने डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिस्कस कर लिया था। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में मैंने सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम बताया था आपको। फिर मैंने बताया यार कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक एलिमेंट चूज करके करना पड़ेगा। बट ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे जगह पे ऐसा करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने देखा कि कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक रॉड का हमने सॉल्व करके आपको सेंटर ऑफ मास दिखा दिया था। फिर हमने बात की कि अगर रॉड नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब उसका डेंसिटी जो है वो थ्रू आउट सेम नहीं है, तो फिर हम कैसे अप्रोच करेंगे, ये भी हमने करके बता दिया था। और ये इंपॉर्टेंट था, ये एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो था हमारे लिए जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक। अच्छा तो आज जो स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी बात की सेंटर ऑफ मास ऑफ, हमने एक रॉड डिस्कस किया हुआ है, सेम पैटर्न में इंटीग्रल मेथड से हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ लेट्स से एक रिंग। तो रिंग का तो हमें पता है कि सेंटर पे ही होगा, रिंग का नहीं, हाफ रिंग का अगर हम देखें। तो ये बताओ अगर ये रिंग हाफ है, मतलब हाफ रिंग की बात करें, तो हाफ रिंग में तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी ना। कैसे? जैसे पूरी रिंग थी तो हमने बात की कि सिमेट्री मिल रही है, कैसे, ये वाली लाइन पे, इधर भी सेम मास, इधर भी सेम ज्योमेट्री, और इस लाइन में भी सिमेट्री मिल रही है, इधर भी सेम और इधर भी सेम, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास क्या था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा लेकिन अब अगर मैंने इस रिंग को हाफ कर दिया हुआ है तो यार सिमेट्री देखो, क्या वाई एक्सिस में ऐसे कहीं सिमेट्री मिलेगी? बिल्कुल मिल सकती है। आप देखो क्या ये लाइन सिमेट्रिकल होगी या नहीं, है या नहीं? बिल्कुल है यार। क्यों? क्योंकि इसका ये वाला सेक्शन बिल्कुल मैच हो रहा होगा इस वाले सेक्शन से, ये सेक्शन पूरा मैच हो रहा है इससे, ये सेक्शन पूरा मैच हो रहा है इससे, मतलब जो भी कुछ लेफ्ट में है वैसा कुछ राइट में भी है ना, तो ऑफकोर्स सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे ही होगा। अच्छा ये बताओ क्या वाई एक्सिस में बोल सकते हैं क्या कि ये सिमेट्रिक लाइन है? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि देखो इधर पे ये जो मास है इसका डिस्टेंस देखो डिफरेंट है ना, और इधर पे जो मास है इसका डिस्टेंस डिफरेंट है ना। पॉइंट समझ आया? तो क्या ऐसे वाई एक्सिस में हम कुछ भी सॉल्व कर देंगे क्या? नहीं, वाई एक्सिस का हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास कहां पर है। क्लियर एवरीवन? ये पॉइंट समझ आया? बताइए ये क्लियर है कि वाई एक्सिस में हमें सॉल्व करना पड़ेगा? ओके गुड, तो चले सॉल्व कर लेते हैं, सीखते हैं पहले, फिर मैं आपको दूसरा पॉइंट भी बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। तो हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ लेट से सेमी सर्कुलर रिंग। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, ओके देखिए, तो सेमी सर्कुलर रिंग का कैसे सॉल्व करेंगे, मैं सिर्फ आपको सॉल्विंग बता रहा हूं। जैसे लीनियर ऑब्जेक्ट था मैंने सॉल्विंग बताया, इस बार ऑब्जेक्ट कैसा है, आर्क के शेप का है, इसलिए मैं आपको इसका सॉल्विंग बता रहा हूं कि किस तरीके से हमें इसे अप्रोच करना पड़ेगा। एक सेमी सर्कुलर रिंग को हमें डिस्कस करना है, ठीक है। देखिए तो सेमी सर्कुलर रिंग में ये तो कंफर्म हो गया कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो वर्टिकली हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये सिमेट्री है, तो ये लाइन में तो कंफर्म हो गया, एक्स सेंटर ऑफ मास सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाई सॉल्व करने की जरूरत है। तो एलिमेंट बताओ क्या लेंगे, ये जो रिंग है हाफ रिंग है, ये एक वायर का ही तो पार्ट है ना। अगर मैं चाहूं तो इस रिंग को एक वायर के फॉर्मेट में लिख सकता हूं ना, सिर्फ इस वायर का लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर। कंफर्म है सबको या नहीं? ओके तो इसका मतलब हमें एलिमेंट कैसे चूज करना पड़ेगा, ऐसे डीएक्स एलिमेंट चूज करेंगे। अच्छा इस डीएक्स एलिमेंट का हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, डीएम, छोटे से एलिमेंट का मास। तो बताओ डीएम कैसे निकालेंगे, सपोज टोटल मास है इस रिंग का एम, रिंग और सेमी सर्कुलर रिंग है ये, ऑफ मास
इस पूरे रिंग, इसका ही ऑब्जेक्ट का मास क्या है, एम है और रेडियस आर है। ओके, तो बताओ ये छोटा एम क्या हो जाएगा, कैसे करते हैं, पूरा मास एम बाय पाई आर। हाँ, तो m by मुझे करना है l, पूरा मास कहाँ डिवाइडेड है, लेंथ में, बट कौन सी लेंथ में डिवाइडेड है, ये पाई आर वाली लेंथ में डिवाइडेड है, तो हो गया m अपॉन पाई आर इनटू क्या करेंगे dx dx। ठीक है, अच्छा, तो इसको मतलब ये, अब हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या चाहिए, हमें इसकी पोजीशन चाहिए। ठीक, तो पोजीशन तो ऐसे हम x मान लेते थे, लेकिन गड़बड़ है, ऐसे पोजीशन नहीं लिख सकते क्योंकि इसका शेप अलग है। ठीक है, तो लेट से मैं यहां से पोजीशन अगर x एज्यूम भी कर लेता हूं तो मेरे काम का नहीं आएगा ये पोजीशन, क्यों, क्योंकि ये पोजीशन यहां कहीं पर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमने x लिया है वो ये लोकेशन है, ये वाली लोकेशन है x, समझ आया, और ये है हमारा dx। तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे इसे, 0 टू l तक इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर। लेकिन ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूंगा यहां पर, क्या हमें y सेंटर ऑफ मास लिखना है, क्या लिखना है, y सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये बताओ ये y क्या है, ये y क्या है, इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है ना, तो क्या y के जगह पे x रख दोगे क्या, नहीं, y मतलब क्या लिखना है हमें, ये वाली पोजीशन चाहिए ना। अब बताओ अगर आपको x पता है तो y कैसे लिख सकते हैं, कोई तरीका आपको समझ आ रहा है, कि आपको आर्क पता है, ये आर्क पता है, इस आर्क में आपको ये डिस्टेंस पता है कि यहां तक मैंने कवर की x डिस्टेंस, मुझे ये हाइट चाहिए, लिख पाओगे क्या, नहीं, ये हाइट x के टर्म्स में लिख पाना क्या होगा, टफ हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसके जगह पे हमें क्वेश्चन किसके फॉर्मेट में सॉल्व करना चाहिए, थीटा के फॉर्मेट में। तो ये क्वेश्चन आपको समझाने का पर्पस क्या था, ऐसा नहीं है कि आपको ये पहले से आता होगा या ऐसा कुछ, नहीं, एकदम न्यू है आपके लिए, बिल्कुल न्यू है, समझने का ट्राई करना पड़ेगा आपको कि हमारा जो प्रायर नॉलेज था dx को लेके वो यहाँ काम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि m में क्या है, m के पास है dx, तो पक्का y के जगह में क्या लाना पड़ेगा, x लाना पड़ेगा और dm के जगह पर dx, तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे ना हम। तो जब तक मैं y को x की तरह नहीं लिख पाऊंगा तब तक मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर समझना है कि x के टर्म में सॉल्व करना क्वेश्चन टफ है। तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे है, थीटा डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो y क्या हो जाएगा, बताओ, अगर इसकी रेडियस r है, बताए, अगर r sin theta, तो मुझे लगता है किसी को इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कि अगर मैं लिखना चाहता हूं कि y क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं इरेज करता हूँ, लॉजिक समझ आया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं x के टर्म्स में y नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब फाइंड करना बहुत ही टफ रहेगा हमारे लिए, तो हमारे लिए सिंपल वे क्या समझ आया, कि हम y को लिख सकते हैं क्या, r sin theta। कोई डाउट इसमें किसी को, नहीं, अच्छा, अब देखो आपने y को लिख दिया r sin theta, तो क्या इस थीटा को हम अगर कहां से कहां तक इंक्रीज करें तो हमारी रिंग बन जाएगी, थीटा को कहां से कहां तक इंक्रीज करें, 0 to π तक, 180 डिग्री तक। ठीक है, थीटा को हम 0 degree to 180 degree तक करेंगे तो काम बन जाएगा। अच्छा, तो क्या मैं साइन थीटा को इंटीग्रेट कर सकता हूं क्या dx के साथ, नहीं। तो अब हमारा दूसरा डाउट है कि जब मैं dx के साथ थीटा को इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूं, तो मुझे यहां dx के जगह क्या लाने का ट्राई करना चाहिए, d थीटा, क्लियर। तो यहां से क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट शुरू होगी, कि हम अब एज्यूम करेंगे
कि ये जो रिंग है, ये जो डीएक्स है, ये सेंटर पर एक छोटा सा एंगल बना रहा है, जिस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, डी थीटा। क्लियर? अच्छा, फॉर स्मॉल एंगल्स, अगर मैं स्मॉल एंगल की बात कर रहा हूं तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर कोर, यस, रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस इन टू एंगल। तो इसका मतलब मैं अगर dx फाइंड करना चाहता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, dx इज इक्वल टू r इन टू डी थीटा। क्लियर? ये थॉट सबको समझ आया? तो इसका मतलब क्या है, अब हमें डी थीटा भी मिल गया और y भी मिल गया, अब हम अपनी सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं। y को क्या लिखा हमने, r साइन थीटा, और dm को क्या लिखा हमने, ये हुआ, ये वैल्यू पहले लिख देते हैं यहाँ पर, चलो dx को रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका मतलब dm की वैल्यू क्या आ जाएगी, m by pi r into dx को क्या लिख सकते हैं, r into d थीटा। तो r r कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली dm की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, देन dm विल बी m अपॉन पाए इंटू डी थीटा। बताए किसी को डाउट इसमें कुछ? तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हमने दो स्टेप फॉलो किए, हम y को ढूंढ नहीं पा रहे थे x के टर्म्स में, जबकि dm था हमारा dx के टर्म्स में, तो इसलिए हमने y को क्या लेके आया, थीटा लेके आए। अब थीटा आ गया तो dx नहीं इंटीग्रेट कर सकते ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए, डी थीटा। तो हम यहाँ पर dx की जगह क्या लेके आए, डी थीटा। तो ये पूरा आपको याद रखना पड़ता है कि किस तरीके से हम एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास सॉल्व करने वाले हैं। चले तो लिख देते हैं dm को, इट इज m बाई पाई इंटू डी थीटा। क्लियर? अपॉन नीचे इंटीग्रेशन ऑफ m बाई पाई इंटू डी थीटा। ठीक है, तो अभी सॉल्व कर देते हैं y सेंटर ऑफ मास, देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, m r बाई पाई कॉमन आ गया, नीचे भी क्या आएगा, m बाई पाई कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ की लेनी है हमें, जीरो टू पाए। चले तो यार क्या कैंसिल आउट हो गया इसमें से, आर बाई पाई, सॉरी एम बाई पाई कैंसिल आउट हो गया, एम बाई पाई, तो ये आ गया हमारा क्या, आर इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें पता है कॉस थीटा का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ थीटा, जीरो टू पाई। तो चले रख देते आर इंटू, पहले हमें रखना पड़ेगा माइनस, बाहर ले लेते हैं, सो माइनस आर, ये हो जाएगा कॉस पाए, कॉस पाए माइनस कॉस जीरो अपॉन थीटा क्या हो जाएगा, पाए माइनस जीरो। तो जस्ट सॉल्व कर लेते हैं, वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इट इज माइनस आर इंटू कॉस पाए की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, माइनस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। तो ये हो गया और नीचे आ गया पाए, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस टू हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, टू आर बाई पाए। ओके, तो इतनी मेहनत हमने की क्या करने के लिए, ये आंसर लाने के लिए कि y सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, 2r by pi पर होता है। तो कुछ याद आ रहा है कि प्रीवियस चैप्टर में मैंने आप लोग को बताया था ये चीज? यस सर, याद है कि सेमी सर्कुलर रिंग का किस साइड पे होता है, 2r by pi। क्या बताओ एग्जाम में इतना सॉल्व कर पाओगे क्या, उससे बेटर क्या रहेगा कि आप ये चीज लर्न कर लो। यार पॉइंट समझ आया सबको? मैंने सिर्फ आपको सॉल्विंग बता दी है कि किस तरह डेरिवेशन आता है, आप लोग के लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा कि आप क्या करो, इसे याद कर लो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको जो एलिमेंट्स यूज होने वाले हैं एग्जाम में उनका आपको बता देता हूँ, आपको याद कर लेना पड़ेगा सबका। सबको क्लियर है ये चीज?
सबका याद यस सर, करके रखना है, गुड। यस सर, तो चलो कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स और कंटिन्यूअस सिस्टम की बात कर लेते हैं। ओके, तो कुछ कंटिन्यूअस सिस्टम का हम याद करेंगे और उनसे फिर हम ट्राई करेंगे कि उनकी हेल्प से हम बाकी चीजें फाइंड करने का ट्राई करें। तो चलो कुछ कंटिन्यूअस सिस्टम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे नंबर वन, फर्स्ट पार्ट, आर्क। पहला है एक आर्क। आर्क जानते हैं आप, आर्क मतलब एक सर्किल का पार्ट, रिंग का पार्ट। क्लियर है आर्क? अच्छा, तो क्वेश्चन कैसा देगा कि सपोज हमें ये आर्क दे दिया, ये पूरा सर्किल मैंने ऐसे ही बना दिया है। सपोज क्वेश्चन में हमें ये आर्क दे दिया, तो आर्क को डिफाइन कैसे करेगा वो? आर्क को डिफाइन करेगा कि ये आर्क यहां पर कितना एंगल बना रहा है। समझ आया? सपोज ये आर्क यहां पर कितना एंगल बना रहा है, कुछ थीटा नॉट एंगल बना रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? तो पहले बताओ यार, क्या आर्क है इसको मैं ऐसे दो पार्ट में नहीं बांट सकता सिमेट्री? तो ये वाली सिमेट्री तो रहेगी हमेशा, सिर्फ कौन सी सिमेट्री नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कहां पर सिमेट्री होगी। इसका मतलब ये कंफर्म है कि इसका अगर सेंटर ऑफ मास पड़ेगा तो किस एक्सिस में पड़ेगा, इस बीच में। क्लियर? तो ये होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये कंफर्म है कि इसी एक्सिस में होगा। कितनी दूर होगा हमें ये नहीं पता, तो हमें ये लोकेशन चाहिए कि लेट्स से इट्स सेंटर ऑफ मास इज दिस, तो ये लोकेशन कितनी होगी ये हमें यहां पर बतानी है। पॉइंट समझ आया सबको? तो इस लोकेशन को मैं बोलूंगा वाई, क्यों? क्योंकि आई एम कंसिडरिंग कि यार कैसे रखा है, इस तरीके से रखा हुआ है। ओके, तो मुझे पता है कि एक्स में कोई जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ हमें जरूरत है वाई में। ये आइडिया क्लियर है सबको कि हम क्या चीज फाइंड करना चाह रहे हैं? हमें एक्स में कोई टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए हाइट कि ये सेंटर ऑफ मास कहां पर है, वाई सेंटर ऑफ मास। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा याद करना है हमें, वाई सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? इसका आता है 2r बाई थीटा नॉट, और थीटा ही मान लेते हैं, चलो थीटा ही मान लेते हैं। तो इसका क्या रहेगा, 2r बाई थीटा इंटू साइन थीटा बाई टू। फॉर्मूला भूलेगा क्या किसी को? ये याद हो जाएगा तुरंत फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला है? 2r बाई थीटा इंटू साइन थीटा बाई टू। क्लियर? अब देखना इस फॉर्मूले का यूज करके मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, क्या? सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग मतलब एंगल कितना बना रहा है? 180 डिग्री। पक्का ना, सबको समझ आ गया? तो ये मैंने बना दी सेमी सर्कुलर रिंग यहां पर, और इस पर हमने चेक किया कि यार इसको किस y पर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये y वैल्यू हमें चाहिए, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, सो y सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास देख ले। तो फॉर्मूला है y सेंटर ऑफ मास का क्या, 2r बाई थीटा इंटू साइन थीटा बाई टू, और इसके लिए थीटा कितना है, 180 डिग्री और एल से पाए। क्लियर? तो देन वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इंटू साइन थीटा बाई टू, साइन पाई बाई टू, पाई बाई टू मतलब कितना हुआ, 90। और आपको पता है कि साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। तो इसलिए आंसर आता है क्या, 2r by pi। समझ आया सबको?
इस तरीके से 1/4 ऑफ रिंग और सारी चीजें भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे एग्जांपल में हम बाद में सॉल्व करेंगे कि 1/4 ऑफ रिंग है तो फिर क्या होगा इस तरीके से। तो हमें जो आंसर पता है वो इस एक्सिस पे ये लोकेशन पता है वाई की, समझ आया। उसके बाद अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट पूछेगा तो ये हो जाएगा एक्चुअल एक्स और ये हो जाएगा उसका एक्चुअल वाई, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा हो गया आर्क के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर एक किसी डिस्क का पार्ट होता है, क्लियर। मतलब ये चीज एक हमने सर्कल फॉर्म किया हुआ है और लेट्स से ये एक डिस्क है, तो इसका जो हम एक पार्ट ले लेंगे उसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो लेट्स से हमने ये पार्ट ले लिया, ये सॉलिड जो पार्ट होगा इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर क्लियर है। तो एक चीज अभी इसमें भी दिख रही है क्या कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इस एक्सिस पर ही होगा, बस ये डिस्टेंस अलग होगी। अच्छा बताओ आपका लॉजिक क्या बोल रहा है कि ये वाला वाय इससे कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? ये वाय की जो डिस्टेंस है इससे कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा देख लेते हैं क्यों ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि आपको ऐसा फील आ रहा है कि बिकॉज ये मटेरियल है तो ज्यादा होना चाहिए। दिमाग नहीं लगा रहे हो आप कुछ, बस आप सीधे बोल दे रहे हो बिकॉज ये मटेरियल है यहाँ पर इसलिए ज्यादा आना चाहिए, बट नहीं, कम आना चाहिए। क्यों? देखो फील करें कि पहले क्या था, पहले पूरा मास कहाँ पे था? रिंग में था, यहाँ पर था। तो जब पूरा मास यहाँ पर था तो मैं इस पोजीशन से देखूंगा तो सेंटर ऑफ मास दूर होगा ना। अभी क्या है, मास सेम है, मास में कोई फर्क नहीं है। इस सेक्टर का क्या चीज सेम है? मास सेम है, रेडियस सेम है। तो इसको मतलब अब मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ दूर होना चाहिए? क्या बहुत? नहीं, पास आना चाहिए। समझ आया? तो जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है ना जिसमें मास, उसमें सेंटर ऑफ मास क्या होगा? पास होगा। तो चलो इसका देख लेते हैं भाई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। इसका हो जाता है 4/3 आर बाई थीटा, क्लियर। याद रहेगा ये भी, अभी याद करते चलना है इसको, जो मैं लिख रहा हूं ये अभी याद करके रखना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगा। क्लियर है यहां पर? तो अब मैं एक देख लेता हूं हाफ डिस्क। हाफ डिस्क, हाफ डिस्क क्या हो जाएगी? वो एक सेक्टर का पार्ट हो जाएगा, रिंग का सॉलिड वाला वर्जन इस तरीके से। तो इसका मतलब मुझे इस फॉर्मूले में क्या करना है, थीटा क्या रखना है इस फॉर्मूले में? पाई। 4r/3 थीटा की जगह क्या रख देना है? पाई इंटू साइन थीटा बाई 2। तो ये भी क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। तो ऑलरेडी 90 हो गया, तो टेंशन ही नहीं है, आप आंसर समझ गए। क्या आंसर हो गया? 4r/3π। और ये याद रख लेना है, ये बिल्कुल याद करके चलना है इन सबको। डन। ओके, फिफ्थ ट्रायंगुलर प्लेट देख लेते हैं। ओके, तो ट्रायंगल में कहां पे रहता है? तो ट्रायंगल में भी याद करके रखना है। सपोज ये ट्रायंगल है और तो ये हो गया इसका बेस और ये हो गया इसका हाइट। तो यार अभी इसका सेंटर ऑफ मास ऐसा कुछ तो है नहीं कि सिमेट्री मिल रही है, ऐसा बीच में कहीं सिमेट्री मिल रही है क्या? नहीं, ना ही इधर सिमेट्री मिल रही है ना ही ऐसे सिमेट्री मिल रही है, क्लियर। बट देखो क्या ऐसे b/2 पर होगा? क्या b/2 के इधर होगा या लेफ्ट पे होगा? क्या लग रहा है सेंटर ऑफ मास? लेफ्ट में होगा, क्योंकि लेफ्ट तरफ पे मासेस ज्यादा है। तो अगर हम देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होता है, क्लियर। अगर मैं बोलूं ये x है और ये y है,
तो इसमें दोनों ही चीजें ध्यान देना है, एक्स सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, बी बाई थ्री पे, क्लियर, और वाई सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, एच बाई थ्री पर। समझ आया? अच्छा याद रखना है ये सारी चीजें। एक चीज ये समझना है कि यूनिफॉर्म प्लेट है सारा कुछ जो भी हम पढ़ रहे हैं वो कैसा है, अभी यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर ट्रायंगल किस टाइप का है उस पे डिपेंड नहीं करेगा क्या? किस पे? मतलब ट्रायंगल अगर स्केल एंड ट्रायंगल है, तीनों साइड अलग अलग लेंथ के, तीनों साइड अलग अलग है तो उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्लियर। अगर 90 डिग्री नहीं है तो? हाँ वही बता रहे हैं कि अगर ट्रायंगल 90 डिग्री नहीं है, क्लियर, तो फिर उसका अपन को वापस इंटीग्रेट करके ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हम वो लेके चलते हैं कि 90 डिग्री वाला है तो हमें इजीली आ जाएगा, 90 डिग्री वाला हम याद रख सकते हैं। अदर कोई है तो फिर हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा। डन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फिर उसमें देखना पड़ेगा। 90 डिग्री का आप याद रख सकते हो कि 90 डिग्री का 1/3 1/3 पर रहता है, बाकी कुछ रहेगा तो हमें सॉल्व करना रहेगा। ओके, ट्रायंगुलर प्लेट हो गई, देन हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं। हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है, अगर फुल स्फीयर होगा तो चाहे हॉलो हो या फिर सॉलिड हो, फुल स्फीयर मतलब उसका तो सेंटर पे ही रहेगा, लेकिन अगर हम बात करें वो हॉलो है हेमिस्फीयर, क्लियर, तो सिंपल है काफी, इसका हेमिस्फीयर है तो नीचे ऐसा डिस्क टाइप ऐसा दिखेगा, रिंग टाइप पूरा, ऐसा हॉलो हेमिस्फीयर है, तो हॉलो हेमिस्फीयर है तो इसका ये कंफर्म है कि सिमेट्री इस लाइन पे ही होगी, हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, इस वाई की जरूरत है, क्लियर। सो वाई सेंटर ऑफ मास इसका याद रख लेना है, वाई सेंटर ऑफ मास इसका होता है आर बाई टू पर। तो मुझे लगता है हेमिस्फीयर में कोई टेंशन नहीं है, हॉलो हेमिस्फीयर में बहुत ही सिंपल सा याद रख सकते हैं आर बाई टू पे। तो अब बताओ सॉलिड का क्या होगा, आर बाई टू से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, कम होगा। ओके, क्योंकि मासेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इस बार, तो इसलिए उसका कम होगा, मतलब आंसर जो है वो आर बाई टू से कम होगा, कम आएगा। तो देख लेते हैं, सेम चीज, बस इस बार ये जो है नीचे वो डिस्क पूरा प्लेट रहेगा, मटेरियल फिट, ठीक है। सो ये सॉलिड है, सॉलिड में अगर देखें तो वाई सेंटर ऑफ मास ये होता है 3R/8 पर। ओके, सो ये वैल्यू भी याद रखनी है किसकी, सॉलिड हेमिस्फीयर की, इट इज 3R/8। ओके, लास्ट टू, सॉलिड हेमिस्फीयर हो गया, कोन की बात कर लेते हैं अभी। तो कोन में भी दो चीजें, हॉलो कोन तो हॉलो कोन, ठीक है, तो कोन में भी ये लाइन सिमेट्रिकल है, हमें सिर्फ क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाई, ठीक है। अच्छा कोन में एक चीज है, दो पॉइंट है, कोन में रेडियस भी होगा, क्या इस रेडियस का कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है इसके हाइट में? नहीं, कोन का जो होगा वो उसके हाइट पे ही डिपेंडेंट होगा। सपोज ये एच हाइट की कोन है तो क्या सिचुएशन होगा, इसका वाई सेंटर ऑफ मास एच बाई थ्री हाइट पर है। लास्ट सॉलिड कोन की बात कर लेते हैं, ये सारे जितने भी मैंने आज बता दिए हैं सारे याद रखने हैं क्योंकि आगे सॉल्विंग में इनकी जरूरत पड़ेगी। पहले आज हम बिल्कुल सिंपल से सॉल्विंग से स्टार्ट करेंगे। तो ये लेट्स से सॉलिड कोन है,
तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सो वाई सेंटर ऑफ मास इट इज एच बाई फोर। सो हॉलो का कितना रहता है, एच बाई थ्री, और सॉलिड का एच बाई फोर। तो मुझे लगता है आज ही याद हो गए होंगे सबको, ऐसा कोई टेंशन है क्या, सबको याद हो गए सारे? एक बार मैं दिखा देता हूँ सारे, ठीक है, एक बार चेक करें सारे। कौन एक्स पे रेडियस पे नहीं डिपेंड करेगा, किस पे नहीं, क्योंकि सिमेट्री है ना पूरे तरफ, पूरे तरफ सिमेट्री है, तो होगा हमेशा इस लाइन पे ही ना, बोथ साइड सिमेट्री है तो ये वाली लाइन पे ही होगा, सिर्फ सिमेट्री किस तरफ नहीं, वर्टिकल हाइट पे, तो वर्टिकल हाइट पे हमें याद रखना पड़ेगा। ओके कोन का देखें, सॉलिड कोन का एच बाई फोर, हॉलो कोन का एच बाई थ्री, सॉलिड हेमिस्फीयर का थ्री आर बाई एट, हॉलो हेमिस्फीयर का आर बाई टू, राइट ये ट्रायंगल का, ट्रायंगुलर प्लेट का वन बाई थ्री, एच बाई थ्री और बी बाई थ्री पे, हाफ डिस्क का फोर आर बाई थ्री पाई, अगर किसी को कोई डिफरेंट थीटा एंगल का सेक्टर का है तो फोर बाई थ्री आर बाई थीटा इंटू साइन थीटा बाई टू, रिंग का टू आर बाई पाई, सेम चीज टू आर बाई थीटा इंटू थीटा बाई टू। बताए कुछ कंटिन्यूस सिस्टम का क्लियर हुआ भी काफी सारे? ओके गुड, तो चले अब डिस्कस कर लेते हैं कि इन सिस्टम्स को यूज करके हम अदर सिस्टम्स का कैसे निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास। तो देखें सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपाउंड सिस्टम, कंपाउंड सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा कि जिसमें मल्टीपल सिस्टम्स को यूज किया गया है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को यूज किया हुआ है। ओके तो इसमें करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा, आपको बहुत कुछ सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, रिप्लेस ऑल द ऑब्जेक्ट्स और ऑल द कंपोनेंट्स replace all the components with their masses kept at their center of mass and solve them as discrete system. ओके इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सपोज मैंने आपको दे दिया ये ऑब्जेक्ट, फिर से मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया ये, अब आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या करना होगा, इसमें क्या है, बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं, तो इसे कैसे कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं इस तरीके से, सारे कंपोनेंट्स को सेंटर ऑफ मास पे रख दो, तो ये हुआ एक कंपोनेंट, एक हुआ ये वाला, एक हुआ ये और एक हुआ ये, देखें सबके हमने क्या रख दिए, कंपोनेंट्स रख दिए, ये एम है मान लो, ये कुछ एम है, ये छोटा है, ये एम है, तो अभी क्या करना है, डिस्क्रीट सिस्टम की तरह सॉल्व कर दो। समझ आया लॉजिक, समझ आया सबको, यार बताओ लॉजिक में किसी को कोई डाउट, डिस्क्रीट तो कर लेते हैं ना, डिस्क्रीट कैसे करते हैं, एक मास को ओरिजिन पे लेके, बट लेट से इस बार ओरिजिन कहीं और है, क्योंकि अब आप अपने आप से ओरिजिन नहीं बना सकते ना, तो लेट से ओरिजिन यहीं पर है, तो सॉल्व कर दो, इसका पोजीशन, इसका पोजीशन, इसका पोजीशन, सबका पोजीशन पता है, सॉल्व कर देंगे। समझ आया सबको? ओके गुड, तो डायरेक्टली एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। चले तो लेट से ये एक्सिस है और यहां पर दो प्लेट रखे हुए हैं, इसका थिकनेस है बी और ये लेंथ है,
ओके और इसका लेट से मास है एम। डन, यहां पर दूसरी प्लेट रखी है एल बाई टू और ये बी बाई टू। चले सॉल्व करें, ये ओरिजिन है, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम क्लियर बोथ वेयर बोथ प्लेट्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। अच्छा ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि मेड ऑफ सेम मटेरियल, किस लिए बोलना चाह रहा हूं, हमें क्या चाहिए होगा इस छोटे वाले प्लेट का, हमें क्या चाहिए छोटे वाले प्लेट का, सेंटर मास चाहिए ना, मास। हाँ, हमें बड़े प्लेट का गिवन है, तो अगर दोनों सेम मटेरियल है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये प्लेट इसकी कितनी है हाफ, तो इस प्लेट का मास भी कितना होगा m by 2, हाफ m by 2। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा बिकॉज बोथ प्लेट आर मेड ऑफ सेम मटेरियल तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो इसका मतलब ये होगा कि मास ऑफ स्मॉलर प्लेट कितना हो जाएगा m बाई टू। प्लेट हो जाएगा m बाई टू। अब देखो पहला क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, दोनों के सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लेने हैं। डन, तो बताओ पहले का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ये वाला होगा यहाँ पर। तो चले दोनों के सेंटर ऑफ मास मैंने लोकेट कर दिए, ये हुआ यहाँ पर और ये हुआ यहाँ पर, कोऑर्डिनेट लिख देते हैं इसके, ये मास m है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, b by 2 comma l by 2, ठीक है। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट कितने, इसका मास हो जाएगा m by 2 और इसके कोऑर्डिनेट b by 4 comma l by 4। अच्छा b by 4, अरे यार नो सर, बी बाई फोर क्यों होगा, ये सीधे दिख रहा है ना, ये बी है। अच्छा एक सेकेंड, माई मिस्टेक, ये मैंने बी बाई टू दिया है, बी बाई टू दिया है ना, तो मास एम बाई टू नहीं होगा भाई, ये प्लेट और भी छोटी है, तो किस तरीके से करेंगे, डेंसिटी देना चाहिए, हाँ वॉल्यूम और डेंसिटी से कवर करेंगे, समझ आया। तो इस तरीके से हम करेंगे कि बोथ प्लेट आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, मतलब दोनों की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ वन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ टू, क्लियर। तो देखो मैं बात करता हूं पहले मास ऑफ वन, एम वन, वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इन टू वॉल्यूम, क्लियर। वॉल्यूम कितना है पहली प्लेट का, तो पहली प्लेट की लेंथ है एल, थिकनेस हाइट है ये, विड्थ है बी, और मान लेते हैं कुछ थिकनेस है टी, ये हमने एज्यूम कर लिया है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेयर बोथ प्लेट्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम थिकनेस, समझ आ रही है, क्लियर। तो इसका मतलब थिकनेस भी क्या है, टी। अच्छा अब देखें, एम टू अगर लिखना है मुझे तो डेंसिटी तो वही होगी, बट वॉल्यूम कितना है एम टू का, एल बाई टू एंड बी बाई टू इंटू थिकनेस क्या है, टी। तो सोचो अगर मैंने इसे कहा है कि ये एम है, तो बाई कैलकुलेशन ये क्या हो गया, रो इंटू एल इंटू बी इंटू टी हो गया ना,
रो इंटू एल इंटू बी इंटू टी, और ये इसे हमने एम कहा है, तो ये बाई फोर हो गया ना, कितना हो गया, एम बाई फोर, एम बाई फोर। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि लेंथ भी हाफ हुई है, हाइट भी हाफ हुई है, तो मास एम बाई टू नहीं हो जाएगा, इसका भी फर्क पड़ेगा। तो इट इज लाइक, अच्छा थोड़ा फिगर में दिख नहीं रही थी इसलिए और बेटर बना देते हैं इस चीज को, ज्योमेट्रिकली भी दिख जाए आपको कि ये प्लेट थिकनेस में भी कम है। ओके तो ये ऐसा कुछ हुआ है कि ये पूरी प्लेट थी एल और बी थिकनेस की, एल बाई टू और बी बाई टू, मतलब इतनी प्लेट हमने निकाल ली है, समझ आया क्या? तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगी, एम बाई फोर। तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं यार, एग्जाम में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि पूरी फुल प्लेट थी, हमने कितनी निकाल ली है, वन फोर्थ, वन फोर्थ सेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं कि वो एम बाई फोर हो जाएगा। अब चले कर लेते हैं, सॉल्विंग कर लेते हैं फिर थोड़ा सा। तो ये कितना हो जाएगा, ये अपना m बाई फोर, लोकेशन क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लोकेशन क्या होगी, ये b तो ऐड होगा ना, देख रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल की लोकेशन पे b तो ऐड होगा, ये होगी l बाई फोर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हॉरिजॉन्टल की लोकेशन होगी b प्लस l बाई फोर, डन, कॉमा वर्टिकल की क्या होगी, b बाई फोर। तो ये आ गए हमारे दोनों कोऑर्डिनेट। अब हम सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम के पर्पस से, x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, x सेंटर ऑफ मास m into x डिस्टेंस कितनी है इसकी, b by 2, b by 2, ये हो गया m by 4 into डिस्टेंस कितनी है इसकी, b plus l by 4 अपॉन दोनों का मास क्या होगा, m plus m by 4। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा डिटेल से अच्छे से कर रहा हूं, m कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, देखे क्या आएगा, ये आएगा b बाई टू प्लस यहां पर आएगा b बाई फोर प्लस l बाई 16 अपॉन ये क्या आएगा 5 बाई 4, डन। तो ऊपर क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर ले थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा 3b बाई 4, तो ये हो जाएगा 12b प्लस l बाई 16 और ये क्या आ जाएगा 5 बाई 4। यहां तक कोई डाउट किसी को, तो आंसर क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास आ गया 12b प्लस l अपॉन कितनी वैल्यू आ गई, 4, कैंसिल आउट हुआ 4, 20, डन। यहां तक समझ आया, ठीक है। तो ये हुआ अपना क्या, x सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा अब देख लेते y सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो y सेंटर ऑफ मास मैं यहीं पे साइड पे ही निकाल देता हूं क्योंकि y इजी रहेगा। y सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, m मास कितनी हाइट पे है, l बाई टू पे, प्लस m बाई फोर किस हाइट पे है, b बाई फोर पे, डन। और नीचे कितना हो जाएगा, m प्लस m बाई फोर, मतलब 5m बाई 4 पे। तो y सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, l बाई 2 है और ये b बाई 16 है, क्लियर। सो किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 का, सो ये हो गया 8l बाई 8l प्लस b अपॉन 16 रहेगा और ये 5, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 20। समझ आया सबको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री का दिया हुआ है तो हमें दोनों चीजें ध्यान देनी है कि उनका मास क्या होगा और उनका ज्योमेट्री क्या होगी। तो ये बहुत ही डिटेल्ड एग्जांपल था, अब हम एक बेसिक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर हमें दे दे टू थिन रॉड्स ऑफ मास m and length L are kept perpendicularly
then their center of mass. तो उनका सेंटर ऑफ मास देखना है. इसका मतलब अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया क्या, कि इस पे रॉड के हाइट वगैरह के बारे में कुछ बात नहीं दी है. इसमें क्या दिया है सिर्फ कि एक रॉड है ऐसे रखी है और एक रॉड है वैसे रखी हुई है. तो इसका मतलब m कहां पर रखा है, यहां पर. ये हाइट कितनी हो जाएगी l बाय टू, और ये m कहां पर रखा हुआ, यहां पर. कहां पर, l बाय टू पर. ओके तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पर आ जाएगा फिर, डायरेक्ट कर सकते हैं. x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, मतलब इसे अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है, यहां पर रखा है एक m और यहां पर रखा है एक m. दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट l बाई टू कॉमा जीरो, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो कॉमा l बाई टू. तो इसका मतलब ये कि इस क्वेश्चन को पीछे वाले जितना डीप नहीं सोचने लग जाना है, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस वगैरह कुछ नहीं दी है. तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m into 0, पहला वाला m क्या है 0, प्लस m into l by 2, डिवाइड बाई m प्लस m, तो 2m हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आएगा l by 4. सेम सॉल्व कर ले, y सेंटर ऑफ मास m into l by 2, यस, और ये m into 0 हो गया भाई, और सेम चीज m प्लस m, तो ये हो गया l by 4. तो इसका मतलब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर आने वाला है, यहां पर, यहां पर किस साइड पर, l by 4 कॉमा l by 4 पर. समझ आ गया यार सबको, कंपाउंड सिस्टम में क्या चीजें ध्यान में देनी है, सबको क्लियर है. चलिए कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं. चले ये एक दो रॉड्स हैं, ये चले इनकी लेंथ ले लेते हैं कुछ, मतलब ज्योमेट्री वाइज कर लेते हैं. सो ये रॉड है और ये रॉड है, टू सिमिलर रॉड्स. Rods of mass m and l cross b and size l cross b. Find center of mass from the top. क्वेश्चन समझ आया सबको, कि टी सेक्शन दिया हुआ है, इसमें आपको टॉप से सेंटर ऑफ मास बताना है. मतलब ये आपको दिया हुआ है और आपको ऐसे सेंटर ऑफ मास इसका बताना है. तो भी खास बात क्या है कि हाइट कितनी है एल और ये विड्थ कितनी है इसकी बी. तो क्या बताओ, एक्स और वाई दोनों सॉल्व करने की जरूरत है क्या हमें? नहीं. देखो y में क्या इसके y के अबाउट क्या मिल रही है, सिमेट्री मिल रही है ना. ये बन गई हमारी क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में होगा, हमें ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. तो हमें सिर्फ कौन सा चीज सॉल्व करनी चाहिए, ये y कोऑर्डिनेट. समझ आया? तो बेस्ट वे क्या है इसे सॉल्व करने का, क्या समझाया अभी, कि दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास को रख दो. तो बताओ पहला वाला कहां पर होगा, माइनस बी बाई फोर. ये कहां पर, बी बाई फोर पे. अच्छा दोनों नेगेटिव है तो ऐसा नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा कुछ. ये कितना होगा, एल बाई टू लिखूंगा इसे या कुछ और, बी बाई टू प्लस एल बाई. अच्छा बी बाई टू प्लस एल बाई टू, वाह. थोड़ा सा केयरफुल रहना चीजों को देख के. तो ये एक एम रखा हुआ है बस, मुझे पता है कि वाई में नेगेटिव है तो मैं दोनों को नेगेटिव नहीं लिखूंगा, क्यों इतना टेंशन लूंगा.
डायरेक्टली सॉल्व करूंगा एम इंटू बी बाई टू बी बाई फोर सॉरी बी बाई टू बी बाई फोर लिख दिया मैंने बी बाई टू ठीक है प्लस एम इंटू बी प्लस एल बाई टू डिवाइड बाई एम प्लस एम तो आ गया आंसर ऐसा कुछ इसमें सॉल्व करने जितना नहीं था बी बाई टू प्लस बी प्लस एल बाई टू डिवाइडेड बाई टू एम मतलब टू एम एम कैंसिल आउट हुआ डन तो टू टू क्या हो गया फोर तो ये हो गया थ्री बी प्लस एल बाई तो मुझे लगता है ये सिंपल सा जो भी सेक्शन वाला ये सब तो समझ आ गया होगा आप लोग को चले और एग्जांपल देख लेते हैं बाकी चीजें कैसे रिलेट करनी है दिस इज हाफ डिस्क एंड दिस इज हाफ रिंग ओके फाइंड द मास एम आर एम कॉमा आर की ये हाफ डिस्क है और ये हाफ रिंग भी एम कॉमा आर की है मतलब ये जो रिंग का मेटल होगा वो काफी ज्यादा होगा क्यों मतलब क्योंकि हमें वो पूरे डिस्क में कन्वर्ट करना है उतना ही मास और इसमें इतना ही मास सिर्फ रिंग में कन्वर्ट करना है तो ये सिचुएशन हो गई देन फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास सॉल्व करें सब लोग सॉल्व करें ओके तो क्या करना पड़ेगा यार इसमें हमें हमें पता है क्या इसमें वर्टिकल के अबाउट सिमेट्री है क्या हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के अबाउट है तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि अब मुझे वाई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्या सॉल्व करना पड़ेगा एक्स ठीक है गुड तो ये चीज हमें कंफर्म हो गई कि ये जो है इसमें हाफ डिस्क और हाफ रिंग में जो सिमेट्री होगी वो इसमें हॉरिजॉन्टल के अबाउट होगी तो ये हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाएगी तो इसका मतलब हमें वाई सेंटर ऑफ मास नहीं सॉल्व करना पड़ेगा एक्स करना पड़ेगा अब बताओ एक्स किस तरफ होगा ऐसा डायरेक्टली नहीं देख के बताएंगे चेक करके बताएंगे ठीक है तो देखो रिंग में तो मास बहुत दूर है ना रिंग की प्रॉब्लम क्या है रिंग में मास क्या है बहुत ही दूर है तो उसका सेंटर ऑफ मास काफी दूर तरफ रहेगा और जबकि डिस्क का पास है तो अब आपको थोड़ा सा प्रॉपर प्लस माइनस देख के ही करना पड़ेगा तो बताए रिंग का कहां पर होता है सॉरी डिस्क का ये कितना होगा फोर आर बाई थ्री पाई क्लियर हाँ ये हो गया एम मास रखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर एम मास कहाँ पर रखा हुआ है
ठीक है, तो एक को प्लस हमें लेना पड़ेगा और एक को माइनस लेना पड़ेगा, और जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो काम बन जाएगा हमारा। तो एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, कर लेते हैं, एम इन टू ये प्लस का होगा 4r/3π, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्लस माइनस मैटर करेगा इसलिए हम बोल रहे हैं दोनों चीजें अच्छे से करना पड़ेगा, और माइनस हो जाएगा 2r/π डिवाइड बाई एम प्लस एम। या माइनस को लेना होगा क्योंकि हमने इसे अपना ओरिजिन माना है ना, सेंटर को हमने अपना ओरिजिन बोला हुआ है, तो दिस इज लाइक ओरिजिन, ये है ओरिजिन, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ये प्लस में जाएगा ना, ये प्लस में जा रहा है और इसकी पोजीशन कैसी है, माइनस में है ना, तो x2 नेगेटिव में है और x1 पॉजिटिव में है, ये बताना चाह रहे हैं, x1 पॉजिटिव में और x2 नेगेटिव में। देखो दोनों पॉजिटिव हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों ऐड होने ही वाले हैं, क्लियर। पीछे वाले क्वेश्चन में देखो दोनों कैसे थे, नेगेटिव थे, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो मैं मुझे पता है कि नेगेटिव है तो अभी ऐड ही होने वाले हैं ना, और फाइनल आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया कि मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि हमें पता है कि आंसर बिलो द एक्सिस आने वाला है, बट यहाँ पर तो दोनों अलग है ना, एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो वहां पे हमें फिर करके रखना पड़ेगा और सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन 2m हो जाएगा, कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2r/3π माइनस r/π, क्लियर। तो अभी 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस r/3π, समझ आया। तो इसका मतलब फाइनल सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा, रिंग की तरफ, क्लियर। ये किस तरफ है, लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब अगर चाहिए तो मैं फिगर बना देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये है तो इस पूरे सिस्टम का जो एक्चुअल सेंटर ऑफ मास है वो आपको कहां दिखेगा, लेफ्ट की तरफ दिखेगा, यहां पर होगा सेंटर ऑफ मास, समझ आया सबको, ये डिस्टेंस रिंग की तरफ, यस r/3π रिंग की तरफ रहेगा। ओके तो क्वेश्चन समझ आया कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप का कंपाउंड सिस्टम और अलग अलग टाइप की चीजें बना सकता है। yes, sir. तो अभी इसके बाद और क्वेश्चन बन जाता है, लाइक ई टाइप का हो गया, ठीक है, तो मुझे लगता है ई में आपको टेंशन नहीं लेनी है, थोड़े ब्लॉक्स से टाइप समझना है, मैं एग्जांपल नहीं करा रहा हूं, मुझे लगता है आप समझ जाएंगे, एक एक ब्लॉक हो गया ये, एक ब्लॉक हो गया ये, एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये, सिर्फ पता है गड़बड़ क्या होती है, क्या लिखने में एम, समझ आया, एम कैसे लिखेंगे प्रॉपर, इसका जो एरिया है सपोज इसका एरिया आ रहा है एल इंटू बी और इसका एरिया आ रहा है L into B by 2, तो इसका मास क्या हो जाएगा LB by 2, सपोज इसका एरिया आ रहा है 3LB by 4, तो इसका मास कितना हो जाएगा 3/4m, समझ आया सबको, ओके चले, कंपाउंड में ये काफी है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं वॉल्यूम रिलेटेड, ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, तो लेट्स से ये कौन है, लेट्स से हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर एंड सॉलिड कोन, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है, हमें इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो कंफर्म है ये क्या है, सॉलिड कोन, और ये क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर, ओके, और मान ये एंगल आपको दिया है कि एंगल कितना है, लेट्स से 60 डिग्री है, कोन का एंगल कितना है 60 डिग्री है, ठीक है, तो अब आपको सॉल्विंग करना पड़ेगा, बट क्वेश्चन में और चीजें बदल दी हैं, लेट्स से ये दिया हुआ है कि दोनों का मटेरियल सेम नहीं है, ओके, सो आपको फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
फ्रॉम द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो लोकेशन कहां से बतानी है? लोकेशन बतानी है यहां से, सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर से। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे अपना ओरिजिन? हेमिस्फीयर पे। वन मोर थिंग गिवन है कि डेंसिटी ऑफ हेमिस्फीयर, डेंसिटी ऑफ हेमिस्फीयर जो है इट इज ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ कोन। थॉट समझ आया कि हमें ये चीज गिवन है कि हमें इसे बेस लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डन। तो सबसे पहली बात बताओ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमें इस सिस्टम को क्या करना चाहिए? मासेस के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो सॉलिड कोन का कहां पर होता है सेंटर ऑफ मास? h/4 पर। गुड। तो ये हो गया h/4 पर। और हेमिस्फीयर का कहां पर होता है? हेमिस्फीयर का h/3। ओके। तो ये लेट से हुआ m1 कोन का और ये हुआ m2 हेमिस्फीयर का। और ये जो हाइट है वो कितनी होती है? 3r/8। ओके। तो ये है 3r/8। अब प्रॉब्लम क्या है बताओ, क्या क्या नहीं पता है? m1 m2 पता है क्या? नहीं। नो सर। अच्छा, h पता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं पता है, सब कुछ अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले शुरू करते हैं h से। h कैसे निकल आएगा? कोण पता है, कोण का एंगल कितना है ऊपर? 60 डिग्री। तो इसका मतलब अगर मैं सेंटर से लाइन डालूंगा ये, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। हमें पता क्या है? ये पता है कि रेडियस इसकी क्या है? आर। ये गिवन है, ठीक है? गिवन क्या है आपको? कुछ तो गिवन रहेगा ही ना। तो गिवन है इसकी रेडियस आर। तो इसकी रेडियस मतलब कौन की भी रेडियस आर है। तो अब बताओ एच कैसे निकाल सकते हैं आर के टर्म्स में? कौन सा थीटा लगा दें? साइन थीटा नहीं, बेस और हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा। टेन 30 डिग्री क्या हो जाएगा? आर बाई एच। तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? टेन 30 1/√3। तो क्या हो जाएगा? √3 × r। तो ये हो गया एच, आधा काम हो गया हमारा, एच निकल आया। अब हमें क्या फाइंड करना चाहिए दोनों का? मास। क्लियर? तो लिखें यार मास क्या हो जाता है। मास कोन के लिए बात करते हैं, कोन के लिए। तो मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं बताएं जल्दी? 1/3 πr² h। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कंफर्म हो गया कि m1 की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी 1/3 πr² और डेंसिटी हो गई रो, और h कितना हो गया? √3 × r। क्लियर? तो इसका मतलब और थोड़ा सा इसे फाइनल टच दे देते हैं सॉल्व करके। m1 की वैल्यू एग्जैक्टली अगर मैं लिखूं तो क्या आएगी? πr³ρ/√3 से कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या? √3। क्लियर? तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ? लेट से ये हमारा क्या है? m है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हेमिस्फीयर कैसा दिखेगा इन टर्म्स ऑफ मास। तो हेमिस्फीयर देखें, हेमिस्फीयर का मास क्या हो जाएगा? वही सेम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बट इसकी डेंसिटी कितनी है? टू टाइम्स है इनटू वॉल्यूम। तो क्या होता है यार इसका वॉल्यूम? 2/3 πr³। यस, गुड। तो ये हो गया 2/3 πr³। क्लियर? तो चले काम बन गया। इसका मतलब क्या आ गया? ये आ गया 4/3 πr³ और डेंसिटी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा m2। अब हमें बताएं कि m2 को अगर हम m1 के टर्म्स में लिखे तो काम बन जाता हमारा। समझ आया? तो इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट करता हूं कि
सिर्फ अगर मैं ये पाई आर क्यूब रूट को भी लिखूं एम तो काम बन जाएगा, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं इसे क्या लिख दूं, एम बाई रूट थ्री लिख सकता हूं। तो इसका मतलब इसे क्या लिखूंगा फिर मैं, 4/3 m। समझ आया? हमने पाई आर क्यूब इसको क्या मान लिया है, कुछ एक नंबर मान लिया है। इसे हमने क्या मान लिया, लुक लेट से एम नॉट बोल देते हैं यार, हमने इसे एक नंबर मान लिया है m, m नॉट मान लिया है। क्यों? कि क्योंकि कैलकुलेशन में सॉल्व करने में टेंशन ना है, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, तो इसका मतलब इस वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, m नॉट, 4/3 m नॉट। ठीक है, तो ये हमारा जस्ट एक सॉल्विंग के लिए, इजी करने के लिए बन गया। तो अभी बस फाइनल सॉल्विंग कर लेते हैं यार, फाइनल लोकेशन जल्दी से लिख देते हैं और बस हमें सॉल्व करना है सिर्फ सिचुएशन। अब बताओ इसमें प्लस माइनस का ध्यान देंगे या नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, y1 देना पड़ेगा ध्यान, y1 की वैल्यू कितनी है, h by 4, ठीक है, और y2 की वैल्यू कितनी है, 3r by 8, हाँ, बट ये y2 कैसा है, y2 नीचे की तरफ है, नेगेटिव रखना है हमें, ये बताना चाह रहा हूं कि नेगेटिव रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा अभी। ये हो गया हमारा m1 और ये हो गया m2। अब सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्विंग होगी, y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 into h by 4 करके, तो h की वैल्यू कितनी है, r root 3, m1 into r root 3 by 4 plus m2 into minus 3r by 8 upon m1 plus m2। बस अब इसे सॉल्व कर देंगे, जो भी आंसर रहेगा वो हमारा वैल्यू रहेगा। तो थॉट समझ आया कि किस तरीके से हमें अप्रोच कर सकते हैं चीजों को, कैसे हमें प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो ये बताया कंबाइंड सिस्टम में किसी को कोई दिक्कत, कैसे मल्टीपल कंबाइंड सिस्टम का सॉल्व कर सकते हैं हम, इसका सॉल्विंग कर लेंगे, मैंने दोनों वैल्यूज यहां पे बता दी हैं। ओके लास्ट स्टेप फिर से रिपीट, लास्ट वाला ये, तो इसमें हमें ये y1 ऊपर डायग्राम सर, ये वाला, यस सर, हाँ, ये तो जस्ट हमारी कोन और इसका हेमिस्फीयर के हमने सेंटर ऑफ मास लिख दिए हैं। कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, h by 4 पे, तो ये y1 हो गया h by 4 पे और ये हो गया यहाँ पर वेयर h की वैल्यू जो है वो कितनी है, r root 3 है। तो यहाँ पर h by 4 को मैंने डायरेक्टली r root 3 लिख दिया है। ओके, यस सर, हाँ, तो ये हो गया r root 3 by 4, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे। बाकी m1 m2 रख के दोनों को सॉल्व कर देना, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा भाई का। क्लियर सबको? यस सर। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन, बाय सर, थैंक यू। Yeah, bye-bye, bye-bye everyone.